सो वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल NSU पर। और आज हम जिस मूवी की रिव्यू की बात करने जा रहे हैं, उसके ट्रेलर का हमने रिव्यू अपनी पहली वीडियो में किया था, जो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इस मूवी का नाम है हर हर महादेव। अगर बात करो इसके ट्रेलर की, तो वो काफ़ी अच्छा था, घुसबम देने वाला था, हमने जैसा कि पहले देखा था। और मुझे पता था कि मुझे इस मूवी को देखनी ही है, और मैंने इसे थिएटर में जाकर देखा। और जब मैंने इसे देखा, तब मुझे वहाँ पर जो लोगों की भीड़ दिखाई दी, वो कांतारा के बाद ये मूवी दिखाई दी जिसमें लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, थिएटर पूरा का पूरा भरा था। अगर मूवी की बात करें, तो मूवी ये पहली मराठी मूवी है जो पैन इंडिया रिलीज़ हुई है, जो हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सारी भाषाओं में एक साथ रिलीज़ हुई है। ऑल ओवर अगर मूवी को एक शॉर्ट लाइन में बताऊं, तो मूवी में छत्रपति कैसे शिवाजी से मिले, उनके विचारों में क्या क्या मतभेद था, और उन्होंने महाराज को कैसे बचाया, और एट लास्ट सबसे वो जो छत्रपति वाला कि उन्हें कैसे छत्रपति की उपाधि मिली, वो इस मूवी में बताया गया है। जैसा कि हमने शरद केलकर को तानाजी मूवी में देखा था, उसमें उन्होंने शिवाजी का रोल प्ले किया था, लेकिन इस मूवी में वो छत्रपति का रोल प्ले कर रहे हैं, और सुबोध भावे शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों ने ही अपने किरदार को बखूबी निभाया है, और इन्होंने अपने रोल में जान डाल दी है। मूवी देखने में काफ़ी लंबी लगती है, लेकिन कहीं भी बोर नहीं करती, क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन ने सबको बांधे रखा है। मूवी में सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया गया है, वो बताया गया है कि छत्रपति जी और शिवाजी दोनों की बॉन्डिंग कैसे बनी है, इसे मूवी में बताया गया है। और इस पर ज़्यादा गौर किया गया है कि लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता चले। वैसे तो ये एक पुराना इतिहास है, जिसे एक छोटी सी फिल्म में बताया नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो भी बताया है, वो काफ़ी अच्छा है। मूवी के विजुअल तो काफ़ी अच्छे थे ही, साथ में जो कैरेक्टर्स दिखाए, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक लगे, और मूवी की स्टोरी लाइन तो सबसे टाइट थी, जिसने मूवी को देखने के लिए लोगों को बांधे रखा। मूवी का टोटली 60% बाजी प्रभु के ऊपर ही बताया गया है। अगर मूवी के सबसे गूज़बम देने वाले सीन की बात करो, तो वो 9000 वर्सेस 300 था, जिसमें 300 हिंदू सैनिक 9000 अपने दुश्मनों को हराते हैं और उन्हें पूरी तरह से मार डालते हैं। मूवी के अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो वैसे तो इनके एक्टिंग में इतना दम था कि जिससे सारे नेगेटिव पॉइंट्स छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लड का VFX और वो जहां ये लड़ाई करते हैं उस प्लेस का VFX में काफ़ी कुछ कमी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्टिंग के दम पर इसको काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की है। मुझे तो नहीं पता कि इससे पहले कोई भी मराठी मूवी पैन इंडिया रिलीज़ हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर बात करूँ कि मूवी को फैमिली के साथ देखा जा सकता है या नहीं, तो ओवरऑल मूवी काफ़ी डिसेंट है, प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म है, तो आप सभी अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर इसे देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करेगी, और मूवी में ये देखना भी चाहिए कि कैसे हमारे हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे यहाँ कौन से बड़े बड़े महाराज पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश को बचाया है गुलामी से। ऐसी और वीडियो का रिव्यू देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोबारा। बाय बाय।